तो देखिए ये मेरा रेड हैट इंस्टॉल्ड हो रहा है, राइट। तो मैंने कैसे कैसे किया, क्या प्रोसेस किया, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये VMware सॉफ्टवेयर था, डबल क्लिक करके मैंने इसे इंस्टॉल किया, राइट। तो आप भी ऐसे डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, नेट से डाउनलोड कर लीजिए VMware। एंड देन उसके बाद आपके पास रेड हैट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या अबंटू, या कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होना चाहिए, या इनके मतलब वो भी मिलते हैं जैसे, तो है ना, CD DVD वगैरह भी मिलते हैं, उनसे भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर अगर आपके पास है तो उससे भी आप कर सकते हो। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर के अंदर ही, आपको दिखा रहा हूँ एक मिनट, ये देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर ही मेरे पास ये रेड हैट ये पड़ा हुआ है। तो ये 4 GB का लगभग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए करा क्या, देखिए VMware इंस्टॉल करने के बाद जब आप करोगे तो यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ टिपिकल, बाय डिफ़ॉल्ट टिपिकल मोड में लेके जाना है। देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है इंसर्ट डिस्क फाइल, तो अगर आपके पास डिस्क है, इमेज वगैरह है तो वहाँ से कर लो, नहीं तो ISO फाइल ब्राउज करके नेक्स्ट 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 फिनिश करना, यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, फिर ये रेड हैट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी ये ओपन होने में टाइम लगा रहा है, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि भैया हमारे पास ये देखो सी सी प्लस का एक प्रोग्राम है ना, और ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इस पे हम इसको हम बस रन करने वाले हैं, जैसे हम इसको डबल क्लिक करके रन करेंगे, मतलब इसको हम जब ओपन करेंगे, अभी ओपन करने के बाद इसको हम, इसकी जो exe फाइल होगी ना वो डबल क्लिक करके मतलब रन हो जाती है, ये चीज़ है इसके अंदर। मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे हम एग्जीक्यूट के अंदर जाएंगे, कंपाइलर रन करके करेंगे तो ये हमारा फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सी आउट लिखोगे तभी सी प्लस प्लस का फाइल बना जाएगा, आप डॉट सी पी पी एक्सटेंशन से सेव कर दिए हो तो सी प्लस प्लस का फाइल है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एरर इज, अच्छा ये एक्सी फाइल, हाई डॉट एक्सी फाइल मेरे पास पहले से पड़ी हुई है ना, इसलिए एरर दिखा रहा है। मतलब कंपाइल होते ही हाई डॉट एक्सी फाइल यहाँ बन जाती है, देखो ये एक्सी फाइल को डिलीट मार दूंगा तो ये बनेगा। ये इसके अंदर कुछ कमी है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ये पहले से अगर ये एक्सी फाइल होती है ना तो उसको रन नहीं करता है। अब देखो ये इतना स्लो हो गया सिस्टम मेरा, और जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये मैंने VMware रेड हैट ये सब डाल रखा है इस वजह से। तो एक बार प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे देखें, आप अगर इसे करके आप कंसेप्ट समझ गए हो तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया ये, अब इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। इसे देखिए यहाँ से गए हम, एक बार दोबारा आपको कंपाइलर रन करके दिखाते हैं। एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा स्लो है तो इसलिए टाइम यहाँ पे लग रहा है। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फेल टू एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आप प्रोजेक्ट के अंदर वनली जाके कंपाइल कर लो इसे, मैंने एक्सी फाइल तो डिलीट कर दिया है तो फिर ये क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए वनली कंपाइल कर लिया हमने, कंपाइल करते ही एक्सी फाइल बन गई ये मुझे लग रहा है डिलीट नहीं हुआ था क्या। इसको यहाँ से रिसाइकल बिन को भी इम्पटी कर देते हैं, ठीक है। और अब हम एग्जीक्यूट पे जाएंगे दोबारा, यहाँ से कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन, फेल टू रन exe। मे भी ये इसको वहाँ से उठा नहीं पा रहा है, कोई रीज़न होगा, उसे हमें उसके अंदर हमें नहीं जाना है, हमारी एक्सी बन चुकी होगी, हम उसको डबल क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है। चलिए, तो कोई भी एक्सी फाइल जब बनती है तो वो डबल क्लिक करके रन करने से चल जाती है, ये इसकी क्वालिटी होती है ना। अब लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता, जावा के अंदर जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वो बाइट कोड बनाता है ना,
तो ये हमारा जावा का सोर्स कोड है, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने लास्ट टाइम पे बनाया भी था। ये मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ, सिंपल हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम है, ठीक है। और अब हमें इसको रन करना है, कंपाइल और रन करना है, तो cmd ओपन करेंगे और यहाँ से उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। अब जावा का प्रोग्राम दुनिया में कहीं पे भी कंपाइल होता है वो एक ही कोड बनाता है, दैट इज़ बाइट कोड। और सी का प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता, सी के प्रोग्राम में विंडो पे कंपाइल होगा तो अलग फाइल बनेगी, लिनक्स पे अलग, मैक पे अलग, वहाँ पे कंपाइल्ड फाइल मतलब वेरीज होते रहते हैं, और यहाँ पे हमेशा डॉट क्लास फाइल, ठीक है। तो बस आपको इस डॉट क्लास फाइल को जो यहाँ पे ये देखिए कंपाइल हो गया, रन हो गया, अब इस डॉट क्लास फाइल को जो जावा की ये बनी हुई है, इस दुनिया की किसी भी मशीन पे लेके जाइए, वहाँ चल जाएगा, लेकिन ये एक सी नहीं चलेगा, ठीक है। तो कैसे चल जाएगा भाई, क्या कहानी होगी उसके पीछे, क्या करना पड़ेगा, देखिए रेड हैट हमारा ये इंस्टॉल्ड हो चुका है प्रॉपर। बस इसमें अब हम डालते हैं अपना यूज़र नेम रेड हैट, ये इंस्टॉलेशन टाइम पे दिया जाता है, ठीक है। पासवर्ड ये ओपन हो गया, ठीक है। अगर मैं ये जो पर्टिकुलर हमारा यूज़र सॉरी बाइट कोड है, इसको दुनिया में कहीं भी प्लेटफॉर्म पे लेके जाए रन हो जाएगा, बट कैसे रन होगा बता सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ जी नहीं पता, अरे बोलो भाई, इसको कहीं पे भी लेके जाएंगे चलाने के लिए तो आपको पता है क्या चाहिए, बस जैसे मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ चलाना है, ठीक है। ये हमारा ये इसको मैक्सिमाइज कर देंगे कि पूरा रेड हैट आपको लगने लगेगा कि रेड हैट पे काम कर रहे हैं, दिख रहा है स्क्रीन। इस बाइट कोड को चलाने के लिए क्या चाहिए बोलो भाई, आप लोग हो या नहीं हो पहले ये बताओ। कंपाइलर कंपाइलर नहीं चाहिए, कंपाइलर तो कंपाइल करने के लिए चाहिए, कंपाइल तो वहाँ हो चुकी है बस, लाइब्रेरी सर ना ना बस हमें जावा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए JRE, और JRE के अंदर JVM पड़ा हुआ है उसके थ्रू ये चल जाएगा। तो क्या रेड हैट के अंदर JVM होता है, JRE होता है पहले से? नहीं होता है, आपको डालना पड़ेगा। तो आपको ये स्टेप में आप इसे भी नोट करके रखना कि ये देखिए ये मेरे पास JDK फॉर लिनक्स पड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको JDK फॉर लिनक्स, एक मिनट ये देखिए JDK फॉर लिनक्स दिख रहा है, ये इसका वो है क्या नाम है एक्सटेंशन RPM है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ये लीजिए आ गया ये, ठीक है। और इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ, इसका यूजर नेम रेड हैट दे देंगे। अच्छा मेरे पास मतलब संजोग से जो JDK है, अच्छा JDK पूरा ज़रूरी नहीं था, ये भी आपको याद रहे, पूरा JDK ज़रूरी नहीं था, केवल JRE से भी काम चल जाता, लेकिन मैंने JDK इसलिए डाल दिया क्योंकि मैं यहाँ प्रोग्राम बना के भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। JDK तब चाहिए जब आप बनाना भी चाहते हो रन भी करना चाहते हो, क्योंकि JDK मतलब कंपाइलर भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी, सब कुछ होगा, JRE भी होगा, JVM भी होगा, JDK में सब कुछ होगा, डेवलपमेंट किट है ना पूरा, बताइए। अरे बोलो भाई जफर अब्बास, नहीं बोलोगे? अभी तुम कहाँ सो गए क्या? नहीं सर तो बोलो, कह रहा हूँ बोलना चाहिए हमेशा हमेशा, मैं बोलता हूँ बोलना चाहिए, हाँ नो, हाँ ना, नहीं सर यस वो नो, उन लोग सब पूछ रहे थे इसलिए तुम भी बोलो, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ तो अब भी बोलो, और बताओ जफर नहीं है क्या? ये अपडेटिंग हो रहा, ठीक है। ये देखिए पैकेज हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है ना। तो अच्छा मैंने प्रोग्राम कौन से वर्जन पे कंपाइल किया था वहाँ पे? 8 पे कंपाइल किया था, 8 पे कंपाइल किया था, अगर आपको नहीं बताया तो आप देख लीजिए, क्या 8 वाला प्रोग्राम 7 पे चल पाएगा? क्या 8 वाला प्रोग्राम 7 पे चल पाएगा? हैं
नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, जावा सी हाइफन वर्जन। हायर टू लोअर कंपेटिबिलिटी नहीं होती है सॉफ्टवेयर के अंदर। ये देखिए यहाँ जावा 8 चल रहा है, ठीक है, हायर टू लोअर कंपेटिबिलिटी नहीं होती है, लोअर टू हायर होती है। अब यहाँ पे जरा देखते हैं, यहाँ पे होता है टर्मिनल, देखो ये दिख रहा है टर्मिनल, राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल पे हम काम करते हैं। ये टर्मिनल ऐसे छोटा कर देते हैं, जो वहाँ सीएमडी है यहाँ पे टर्मिनल है, और यहाँ पे भी जावा सी और हाइफन वर्जन लिखेंगे। तो ये वर्जन कौन सा चल रहा है, यहाँ पे देखिए 7 चल रहा है, और जावा और क्लास का नाम बस लिख के एंटर मारेंगे, जावा और क्लास का नाम लिख के केवल एंटर मारेंगे। हुआ लोड, कुड नॉट लोड, हैं, कुड नॉट लोड। अच्छा ये कुड नॉट लोड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लोकेशन हमने गलत डाला है, तो हमें डेस्कटॉप वाले लोकेशन पे जाना पड़ेगा, हमें डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सीडी करके डी लिख के टैब दबाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, और यहाँ क्लियर चलता है, सी एल ई ए आर क्लियर करने के लिए, सीडी वही है। ये देखिए ये एरर आएगा, क्या एरर आया, अनसपोर्टेड क्लास वर्जन एरर, अनसपोर्टेड क्लास वर्जन एरर, वर्जनिंग का प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि हायर वाला लोअर पे नहीं चलता है, उस दिन भी बताया था आपको, हायर वर्जन में बना हुआ सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ लोअर पे नहीं चलता है। समझे, तो फिर क्या करना होगा, तो क्या करें, क्या करें बताओ, क्या करें। अब इस चीज़ को मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ जेडी के 8 डाल लूँ, या मैं एक काम करता हूँ यहाँ वाला प्रोग्राम वहाँ चला के दिखा देता हूँ, है ना, ऐसा कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ये मूव टू ट्रेस कर लेते हैं, ख़त्म, ठीक है। यहाँ टर्मिनल होता है, बेसिकली सारा काम टर्मिनल होता है। अब यहाँ नोट पैड नहीं चलता है, यहाँ पे अगर आपको जाना है तो ये देखिए डॉक्यूमेंट में जाइए, और यहाँ एम्प्टी डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एडिटर्स ऐसे होते हैं, ये अभी डबल क्लिक करोगे तो ये एडिटर आप ओपन हो गया है, ये एडिटर है, जी एडिट नाम का एडिटर है, इस पे आप प्रोग्राम बनाइए जी एडिट पे, ठीक है। और बनाना क्या है, पूरा वही प्रोग्राम जो यहाँ पे लिखा था उसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ एडिट में जाते हैं, पूरा वही प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ेगा ना, बच जाएंगे लिखने से, और तो आप देख रहे हो कभी मैं विंडो पे आ रहा हूँ, कभी मैं लिनक्स पे आ रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ पी एम वेयर की वजह से, ठीक है ना। मैंने यहाँ से फाइल में गया, सेव एज में गया, इसको सेव कर दिया मैंने टेस्ट डॉट जावा से, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। एक तरीका ये है फाइल बनाने का, और एक तरीका और बता देता हूँ आपको, ऐसे वी आई फाइल का नाम डॉट जावा, समझे, वी आई एडिटर से बनता है, वी आई फाइल नेम डॉट जावा, और जैसे लिख के एंटर मारोगे तो ये एडिटर ओपन हो गया, इसे बोलते हैं वी आई एडिटर, वो जी एडिट एडिटर था, वो जी एडिट एडिटर था, ये वी आई एडिटर है, दो एडिटर होते हैं, बहुत सारे एडिटर होते हैं, जैसे जावा, जैसे विंडोज़ पे होता है नोट पैड, नोट पैड प्लस प्लस होता है, वगैरह वगैरह। तो आई लिख के हम इंसर्ट मोड में आ गए, अब यहाँ पे क्लास बना लो, सब कुछ वही है जैसे मैंने क्लास लिख दिया, इवन देखें वो जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट हो पाएगा यहाँ, ये पेस्ट हो गया, लीजिए पूरा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब हम गया स्किप करेंगे, इंसर्ट से आई लिख के इंसर्ट मोड में आते हैं, और स्किप से स्किप हो जाते हैं, फिर लिखेंगे हम कॉलन डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू क्यू मतलब राइट एंड क्विट। ये देखिए फाइल राइट हो गई, ये देखिए के बन गई, और हम यहाँ आ गए, उससे भी बनी थी इससे भी बनी थी, पहले बताओ इतना क्लियर हो गया, तरीके हैं। मैं बोला हूँ कि हमेशा बोलना चाहिए जैसे मैं बोलूँ, अगर तुरंत समझ में आए तुरंत बोलो या सुनो, तब मैं आगे बढ़ूँ। नहीं सर, एक बार क्या कैसे बनाते हैं जी सर, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार बता दूंगा ना, तब भी आपको क्लियर नहीं होगी। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो आपको दे दूंगा, या मैं आपको इससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आपको मैं दूंगा,
तो फिर उसको आप देख के चला पाओगे, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं सर, आगे ऐसे लिखो, वी आई लिखेंगे, वी आई लिखते हैं, वी आई लिखते हैं स्पेस फाइल का नाम जिस नाम से फाइल बनाना चाहते हो और डॉट और उसके बाद जावा लगा देते हैं, ठीक है ना, वी आई फाइल नेम डॉट जावा, एंटर मारेंगे। अब यहाँ आई लिख के इंसर्ट मोड में आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम टाइप करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने ये प्रोग्राम कॉपी पेस्ट मार दिया, अब टाइप करने के बाद स्किप करिए, अब स्किप करने के बाद कॉलन डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू क्यू मतलब राइट एंड क्विट, ये फाइल यहाँ भी सेव हो जाएगा, ये देखो यहाँ सेव हो गया और हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। अब वही सेम स्टेप करेंगे जावा सी, चलो मैं टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल कर लेता हूँ, ये कंपाइल कर लिया। अब जावा के प्रोग्राम में क्या क्वालिटी तुम्हें नज़र आई, कुछ क्वालिटी नज़र आई जावा के प्रोग्राम में? ये क्वालिटी है यार कि जावा का प्रोग्राम दुनिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करोगे वो एक ही कोड बनाएगा, दैट इज़ बाइट कोड। ये देखिए टेस्ट डॉट क्लास बनी नहीं बनी। अब जावा करके इस टेस्ट को यहाँ रन कर लीजिए, ये रन हो गया नहीं रन हो गया। अब ये टेस्ट डॉट की जो बाइट कोड है इसको यहाँ से कॉपी करिए, इसको यहाँ ले आइए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, है ना, इसको ऑलरेडी था तो उसको रिप्लेस कर देते हैं हम, ऑलरेडी था हमारे पास टेस्ट डॉट क्लास तो रिप्लेस कर देते हैं। क्या है ये रिप्लेस क्यों नहीं हो रहा है, रिप्लेस हो गया। और यहाँ पे अब हम सी एम डी पे ओपन करेंगे और डायरेक्टली रन करेंगे, रन का कमांड चलाएंगे। क्या रन का कमांड होगा? जावा क्लास का नाम। हो गया रन? जी सर। तो वो सेवन वाला एट पे चल गया, देखा, ठीक है। अगर मैं इसकी exe जो डबल क्लिक करके यहाँ चल रही है यहाँ चला ले रहा हूँ, क्या इस exe को यहाँ कॉपी करके रेड हैट पे चला सकता हूँ, यहाँ पे चला सकता हूँ? ये लीजिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे रेड हैट पे, रेड हैट पे अगर मैं लेके आता हूँ यहाँ और यहाँ कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब इसको रन करूँगा, क्या रन हो पा रहा है? क्यों नहीं रन हो पा रहा है? हैं? क्योंकि exe फाइल यहाँ सपोर्टेबल ही नहीं है, विंडोज़ पे exe फाइल चलती है, लिनक्स पे नहीं चलती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिनक्स सॉरी exe फाइल सपोर्टेबल है, उसका फॉर्मेट अलग है, उसकी लाइब्रेरी फाइल वहाँ से अलग थी, जो चीज़ें वहाँ मतलब मिल सकती थी वो यहाँ नहीं मिल रही हैं, क्योंकि उसका प्रोग्राम C++ का प्रोग्राम जब विंडो पे कंपाइल हुआ था ना तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट किया था और उसी के स्पेसिफिक कोड बनाया था जिससे उसकी डिपेंडेंसी उस OS पे हो गई थी। और ये प्रोग्राम अब कहीं और दूसरे मशीन पे लेके जाओगे, कहीं दूसरी जगह लेके जाओगे तो वहाँ रन नहीं होगा, जो कि हम यहाँ पे लेके आए नहीं रन हो रहा है। ये यहाँ की बात नहीं है क्या? फिर यहाँ C++ का प्रोग्राम बन नहीं सकता है क्या? बन सकता है, बना के दिखाता हूँ। यहाँ तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, GCC ऑलरेडी होता है यहाँ पे, लिनक्स में GCC इनबिल्ट होता है। मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने VI एडिटर ओपन किया, उसी तरह से मैं चाहता तो जी एडिट करके भी ऐसे मतलब फाइल बना के भी कर सकता था ऐसे ओपन करके, मैं इसी तरह से कर रहा हूँ VI और GG.C, ठीक है। अब यहाँ आई लिख के इंसर्ट मोड में आ गए और हमने प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया, वाइड मेन, ठीक है। यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड कराने वराने की ज़रूरत नहीं होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड होता है। और यहाँ कोनियो नहीं चलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपाइलर टू कंपाइलर भी वेरी हो जाता है C++ के केस में, ठीक है। फाइल के इंसर्ट मोड में ही हैं हम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बस प्रिंट ऑफ और प्रिंट ऑफ के अंदर हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के, सॉरी एक मिनट, सेमी कॉलन लगा दिया और यहाँ पे डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख दिया, ठीक है। सेम ने ये लिख दिया, ये मैसेज लिख दिया और यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया, स्किप करेंगे एंड कॉलन डब्ल्यू क्यू राइट एंड क्विट। ये फाइल सेव हो गया GG, तो लिखेंगे GCC GG.C। देखो C का प्रोग्राम यहाँ कंपाइल हुआ, यहाँ पे देखो एक फाइल बनी जिसका नाम है A.out।
इसका एक्सटेंशन आप बनाए, यानी कि सी का प्रोग्राम लिनक्स पे कंपाइल हुआ है तो एक्सटेंशन ए डॉट आउट थी और विंडो पे क्या थी ए डॉट exe थी, मैक पे कुछ और होगी, यानी कि हर OS पे हर प्लेटफॉर्म पे इसका एक्सटेंशन बदल रहा है, इसका एक्सटेंशन जो है OS टू OS चेंज हो जा रहा है। अब इसको रन कैसे करते हैं, डॉट स्लैश यहाँ पे स्लैश कहाँ है, स्लैश एक मिनट, डॉट स्लैश ए डॉट आउट, ये देखो यहाँ रन हो गया SSSS, जो भी हमने मैसेज लिखा था वो आ गया ना। लेकिन क्या ये फाइल अब विंडो पे चलेगी, अब ये विंडो पे नहीं चलेगी, लेके जाओ चला के देख लो। समझ में आया नहीं आया? Yes, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी बताओ। नहीं देख करके देखने की जरूरत है, जब आप करेंगे तभी पता चलेगा।